हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर जिले की ग्रामीण पुलिस की स्पेशल टीम और बाप पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्ट के एक प्लॉट का खुलासा करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस प्लॉट से पुलिस ने 88 किलो डोडा पोस्ट सहित पैकिंग और अन्य सामग्री बरामद की। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर जिले में अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी और तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत स्पेशल टीम और बाप थानाधिकारी द्वारा कस्बा बाप में चल रहे अवैध डोडा पोस्ट का प्लॉट पकड़ा। पुलिस ने यहां से जगदीश को गिरफ्तार किया है। साथ ही डोडा पोस्ट पीसने की आधुनिक चक्की, मिक्सी, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, डोडा पैकिंग सामग्री के साथ भारी मात्रा में थैलियों और डोडा पोस्ट में मिलावट का भूसा और सामग्री मिली। डोडा पोस्ट का कुल वजन 88 किलो पाया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। SP ने बताया कि तस्कर जगदीश द्वारा काफी समय से तस्करी की जा रही है तथा बाप हल्का क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने में माहिर है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर जिले में अवैध डोडा पोस्ट के साथ अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में जानकारी मिल सकती है। पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई में शामिल स्पेशल टीम के प्रभारी को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।